हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पायल और आप देख रहे हैं कुक विद मी 24x7 चैनल को। मैं आज एक इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी लेके आई हूं और वो क्या है, हाँ, पोटैटो पैनकेक। तो चलिए आज ब्रेकफास्ट में बना लेते हैं पोटैटो पैनकेक। आलू का पैनकेक या पोटैटो पैनकेक बनाने के लिए जो हमें सबसे पहले चाहिए वो है आलू। तो आलू को मैंने यहाँ पे छील लिया है और उसको अभी मैं ग्रेटर में ग्रेट कर लूंगी। ग्रेटर का जो बड़ा वाला हिस्सा है उसमें ग्रेट करना है, देखिए कैसे आएगा ये। अब दोनों आलू को ग्रेट कर लेना है। आलू ग्रेट हो चुका है, अभी मैं इसको बर्फ ठंडा पानी में अच्छी तरह से धो लूंगी। आप चाहे तो 2-3 बार भी पानी चेंज करके धो सकते हैं। अब पानी को अच्छी तरह से निचोड़ लेना है और एक छन्नी के ऊपर मैं ग्रेटेड आलू को रखूंगी ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो भी इससे निकल जाए। अब ग्रेटेड आलू को एक मिक्सिंग बाउल में मुझे लेना है क्योंकि अभी इसमें मैं पैनकेक का मिक्सचर बनाऊंगी। अभी इसमें ऐड करना है एक कटा हुआ प्याज, 2 कटे हुए हरे मिर्च, आप चाहे तो ज्यादा या कम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया के पत्ते, 1 टेबलस्पून मैदा, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून काले मिर्च का पाउडर। मैंने एक अलग कटोरी में अंडे को फेंट लिया है और उसी फेंटे हुए अंडे को अब मिक्सर में ऐड करूंगी। अब इन सभी को एक अच्छे तरह से मिक्स कर लूंगी। अब है चीज डालने की बारी। मैंने यहाँ पे 1 क्यूब चीज लिया है और उसको मैंने ग्रेट कर लिया था। अब सभी को फिर से अच्छे तरह से मिक्स कर लूंगी। हमारा पैनकेक का मिक्सचर तैयार है। अभी फ्राइंग पैन में 2 टेबलस्पून रिफाइंग ऑयल गरम करना है। तेल गरम हो चुका है, अभी इसमें मिक्सचर डालना है। पैनकेक का शेप आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल किया है, आप चाहे तो गोल भी बना सकते हैं। कच्ची और चम्मच के मदद से मैंने ये शेप दिया है। मीडियम फ्लेम में ही हमें पैनकेक को फ्राई करना है। अब चम्मच और करछी की मदद से इसको मैं पलट दूंगी क्योंकि पैनकेक्स को दोनों तरफ से हमको अच्छे तरह से फ्राई करना है। ये रेसिपी आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए रेसिपी। आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाइए ऐसे ही मजेदार रेसिपीज के लिए। देखिए दोनों तरफ से पैनकेक अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अभी इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। आप चाहे तो पेपर टॉवल से जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। पोटैटो पैनकेक तैयार है परोसने के लिए और खाने के लिए। ऊपर से थोड़ा सा धनिया का पत्ता छिड़क के आप इसको सर्व कर सकते हैं टोमेटो केचप के साथ।